कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या पर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो जलाधारी पर डालिया, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अभीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ पर। और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जला कर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे, वो जलाधारी जो है ना जिसमें पानी बहता है उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करो। दिया रखना है दूर रखो, अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना है चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर छल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अभी गुलाब आदि आदि वो चढ़ा रहे हैं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए उसको।